नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट जिसका यूनिट जो अपना चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति की, जिसमें जो सबसे लास्ट आप लोगों का जो हेडिंग था वो था आप लोगों का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन और नंबर चार जो अपना था वो था आप लोगों का रेडियो एक्टिव विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन, यू कैन से रेडियो एक्टिव डीके। क्लियर है? तो ये चार आप लोगों की जो है वो अपने को पढ़ने रहेंगे, किसमें आप लोगों का अभिक्रिया की कोटि में। क्लियर है? तो अभिक्रिया की कोटि ये देखिए आप लोगों का बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। तो सर्वप्रथम जो पहली क्लास आप लोगों की हुई थी उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 6.5 नंबर के लगभग आएगा, 6.5-7.5 के लगभग। क्लियर है? तो उसमें देखिए आप लोगों का वो टुकड़ों में आएगा, या तो आएगा आप लोगों का 3+3.5, या आएगा आप लोगों का 4+2.5, या आप लोगों का 3+2+ आप लोगों का ये इस तरीके से 1.5 नंबर इस तरीके से। क्लियर है? तो इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया अभिक्रिया का वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें भी एक आप लोगों को इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आप लोगों को बताई थी टेम्परेचर कोफिशियंट, ताप गुणांक एक बताई थी। इसके बाद में अपन लोगों ने बात की थी विशिष्ट अभिक्रिया वेग, वेग नियतांक एवं इसकी इकाई की बात की थी। मैंने आप लोगों से बात की थी अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा और उसकी विशेषताएं, इसी तरीके से अणुसंकेता एवं इसकी विशेषताएं, आभासी कोटि अभिक्रियाएं और उनके एग्जाम्पल। तो ये जो मैंने छोटी छोटी 5-7 टर्म अभी मैंने आप लोगों को बोली हैं, ये एग्जाम में आप लोगों की आएगी 1.5-2.2 इस तरीके से, 1.5-1.5 नंबर की, 1-1 नंबर की, 2-2 नंबर की। क्लियर है? तो यहां जो आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो यहां ये तय है कि ये जो मैंने चार हेडिंग आप लोगों के सामने लिखी है ना वो 3.5 नंबर की पूछी जाएगी, 3.5 से 4 नंबर तक की। कंप्लीट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे किस तरीके से पूछेगा, जैसे उसको शून्य कोटि में से पूछना है तो वो आप लोगों को क्या बोलेगा कि शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए तथा इसका समाकलित वेग समीकरण देते हुए इसका अर्धायु काल बताइए। ये कंप्लीट क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 3.5-4 नंबर के लगभग आएगा। इसी तरीके से अगर उसको फर्स्ट ऑर्डर पूछना है तो वो क्या बोलेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया परिभाषित कीजिए, इसका समाकलित वेग समीकरण देते हुए अर्धायु काल को उदाहरण सहित समझाइए, तो पूरा फर्स्ट ऑर्डर उसने पूछ लिया। इसी तरीके से वो आप लोगों से सेकेंड ऑर्डर में पूछ सकता है और इसी मैनर में आप लोगों से वो रेडियो एक्टिव विघटन को पूछ सकता है। तो ये जो आप लोगों की अभी जो सामने हेडिंग डली हुई है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनमें एक एग्जाम में आना तय है, ठीक है? और ये आप लोगों को जो है 3.5-4 नंबर का एग्जाम में बड़ा बनता है, और 4 नंबर का अगर ये क्वेश्चन बन गया या 3 नंबर का बन गया तो इसके साथ में जो 3.5 का अथवा 2.5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हो सकता है अगर आप लोगों को जो दो चीजें पूछ ले आभासी, दो चीजें उसमें पूछ सकता है आप लोगों से, एक तो अणुसंकेता पूछ ले और एक क्या पूछ ले अभिक्रिया की कोटि 1.5-1.5 नंबर की, तो आधा आधा नंबर की क्या हो जाएगी परिभाषा और 1 नंबर की क्या हो जाएगी उसकी विशेषता। तो इस तरीके से आप लोगों के केमिकल काइनेटिक्स में क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी तक मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है वो सारा ही मैटर जो है उसमें जो टॉपिक है वो 1.5-1.5 नंबर के, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, इस तरीके का टॉपिक है। और एक जो थ्योरिटिकल बड़ा क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में बन सकता है वो कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करते हुए इसको प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, तो वो एक थ्योरिटिकल क्वेश्चन आप लोगों का 4-4.5 नंबर का बन सकता है। अदरवाइज क्वेश्चन जो आप लोगों की एग्जाम में बनता है वो पूरी पूरी संभावना ये रहती है कि एक चीज तो आप लोगों को जो चार टॉपिक सामने दिए हैं इनमें से एक पूछा जाएगा 3.5-4 नंबर का, और उसके साथ में प्लस जो आप लोगों का 2.5-3 नंबर जो रहेगा उसमें आप लोगों को जो है अभिक्रिया की कोटि है, आभासी कोटि अभिक्रिया है, अणुसंकेता है, वेग नियतांक है, इन सबको
पूछा जा सकता है। आगे मेरी बात आप लोगों को समझ में। अब देखिए आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कौन सी कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो अब आप लोग अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए शून्य कोटि अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अपन कौन से ऑर्डर की अभिक्रियाएं बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपनी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगा आप लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। जो हेडिंग अपना रहेगा वो रहेगा नंबर वन पे कौन सा है आप लोगों का? शून्य कोटि अभिक्रियाएं। तो नंबर वन है अपना शून्य कोटि अभिक्रियाएं। क्या है शून्य कोटि अभिक्रियाएं? आप लोग कौन सी बोल सकते हो? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यू कैन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये अपन लोग बोल सकते हैं। अब देखिए मेरी एक जो चीज है उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चाहे आप लोग कोई से भी कोटि की अभिक्रिया पढ़ो, चाहे प्रथम कोटि पढ़ो, चाहे द्वितीय कोटि पढ़ो, चाहे कोई भी कोटि की अभिक्रिया आप लोग पढ़ो, उसमें आप लोगों को 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग अगर ये 5 के 5 स्टेप वहां मेंशन करके आते हो तो ये मान के चलिए कि एग्जामिनर को 3.5 में से 3.5 नंबर देने ही पड़ेंगे। क्लियर है? तो किस तरीके से वो 5 स्टेप होंगे? सबसे पहले इधर बोर्ड पे देखिएगा, चाहे कोई से भी कोटि की अभिक्रिया अगर आप लोगों को 3.5 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है तो वहां 5 चीजें आप लोगों को मेंशन करनी ही करनी है। क्लियर है? सबसे पहले देखिए स्टेप फर्स्ट में आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप जो रहेगा आप लोगों का उसमें आप लोग क्या करोगे, उसकी परिभाषा क्या आएगा, उसका डेफिनेशन। और डेफिनेशन भी अपन दो करेंगे, एक तो पहली और दूसरी कौन करेंगे, अथवा कौन करेंगे, दो परिभाषा लिखेंगे नंबर वन और अथवा डाल करके नंबर टू। उसके बाद में जो स्टेप सेकंड आप लोगों का आएगा, स्टेप सेकंड की अगर अपन लोग बात करेंगे तो स्टेप सेकंड में जो आप लोगों को देना है वो देना है उसका समाकलित वेग समीकरण। कौन सा वेग समीकरण? समाकलित वेग समीकरण। जिस चीज की अपने को बात करनी है वो क्या रहेगा? समाकलित वेग समीकरण। उसके बाद में स्टेप थर्ड जो आएगा उसमें आप लोगों को बात करनी है अर्ध आयुकाल की। कौन से आयुकाल की? अर्ध आयुकाल। कौन सा काल? अर्ध आयुकाल, जिसे आप लोग बोलोगे टी हाफ। अर्ध आयुकाल की बात आप लोग करोगे। उसके बाद में जो स्टेप फोर जो आप लोगों का आएगा उसमें आप लोग बात करोगे उसके आरेख की, उसके आरेख की, डायग्राम की। और जो लास्ट स्टेप आएगा आप लोगों का वो रहेगा नंबर 5। क्लियर है? उसमें आप लोग बात करोगे 2 से लेकर के 3 उदाहरण की। 2 उदाहरण तो आपको याद होने ही चाहिए। क्लियर है? उस कोटि अभिक्रिया के। तो क्या बात आप लोगों के समझ में आई कि अगर वो आपसे पूछे, अगर शून्य कोटि अभिक्रिया को समझाइए, चाहे प्रथम कोटि अभिक्रिया को समझाइए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया को समझाइए, रेडियो एक्टिव विघटन को समझाइए, तो अगर ऐसी चीजें आती हैं विहेलमे समीकरण को समझाइए, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है तो सबसे पहले कितने स्टेप कंप्लीट करने रहेंगे आप लोगों को? 5 स्टेप। पहला स्टेप जो आएगा उसमें आप लोग क्या करोगे? उसकी परिभाषा। तो ये चीज आप लोग पहले स्टेप में क्या हो जाएगी? उसकी परिभाषा। और परिभाषा भी बड़ी आसान रहेगी। और कितने परिभाषा रहेंगी? 2 परिभाषा रहेगी। अभी मैं जीरो ऑर्डर को स्टार्ट करवाऊंगा तो आपको और ये चीजें क्लियर हो जाएगी। उस परिभाषा के बाद सेकंड स्टेप आपका क्या रहेगा? उसका समाकलित वेग समीकरण। उसके बाद में थर्ड स्टेप आप लोगों का रहेगा उसका अर्ध आयुकाल, जिसे अपन बोलेंगे क्या? टी हाफ, हाफ लाइफ, यू कैन से हाफ लाइफ। फर्स्ट क्या रहेगा? उसका डेफिनेशन। सेकंड क्या रहेगा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। फिर क्या रहेगा आप लोगों का? हाफ लाइफ। और नंबर 4 क्या रहेगा स्टेप आपका? उसका आरेख आपको बनाना रहेगा। और नंबर 5 पे आप लोगों को कम से कम 2 एग्जाम्पल तो आपको याद होने ही चाहिए बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से। क्लियर है? तो इन चीजों को अपने को
लिखना ही लिखना है। अगर ये पांच स्टेप एग्जाम में आप लोग उतार के आते हो तो फिर आपके जो नंबर कटने की संभावनाएं हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, आप लोगों की खत्म हो जाएगी। और फिर जो जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनर देखते ही उसमें आप लोग उतने नंबर मेंशन कर देंगे। लेकिन ये चीजें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। देखिए क्या है, अब देखिए समझते हैं अपन लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अपनी हेडिंग क्या है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बताइए, मैंने आपको कहा कोई सी भी कोटि की अभिक्रियाएं आप लोग पढ़ो, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे उसकी परिभाषा, स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा उसकी परिभाषा। तो शून्य कोटि अभिक्रियाओं की परिभाषा, तो शून्य कोटि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, शून्य कोटि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया को जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, और अभिक्रिया की कोटि के बारे में मैंने आप लोगों को वेल डिफाइन करके बता दिया है अच्छी तरीके से कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उन अभिकारक अणुओं की संख्या जिनका सांद्रता जिनमें सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, प्रभावित होता है। अब अगर किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन का अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने पढ़े, इसकी कंप्लीट बात करेंगे, जैसे अपन लोग पढ़ते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो धातु होती हैं वो कैटलिस्ट का काम करती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में कि डी ब्लॉक जो तत्व होते हैं, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो सामान्यतया उत्प्रेरक के लिए काम में लेते हैं। जैसे आप लोग वनस्पति घी का निर्माण करते हो तो वो किसकी प्रेजेंस में करते हो, आप लोग निकिल की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में करते हैं अपन लोग, निकिल की प्रेजेंस में। तो वहां रिएक्टेंट भी होता है और वहां क्या होता है, प्रोडक्ट भी होता है, लेकिन किसकी उपस्थिति में अपन अभिक्रिया करवाते हैं, निकिल धातु की प्रेजेंस में, निकिल मेटल की प्रेजेंस में। आई बात समझ में। इसी तरीके से आप लोगों ने अमोनिया का डीकम्पोजिशन या अमोनिया का फॉर्मेशन की अगर अपन बात करें तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, FeMO कोफैक्टर होता है, आयरन और मोलिब्डेनम दो मेटल की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो यहां अभिक्रिया का वेग डिपेंड करेगा किस पे, आप लोगों का इस पे FeMO कोफैक्टर पे। तो इन पे डिपेंड नहीं करके किस पे डिपेंड कर रहा है, आप लोगों का FeMO कोफैक्टर पे। तो इस समय इनके सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। मतलब अपन क्या कह सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता वो अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, शून्य कोटि अभिक्रियाएं। तो पहली परिभाषा क्या हो गई अपनी, वो मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये आज आप लोगों का जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसको आप लोग कंप्लीट समझिएगा और एग्जाम में ये आते ही आते हैं आप लोगों के। तो सर्वप्रथम इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे अभिक्रियाएं वे रिएक्शन जिनका वेग अभिकारक अणुओं पर निर्भर नहीं करता, उन्हें शून्य कोटि अथवा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग
अभिकारक अणु की अभिकारक अणु की सांद्रता के शून्य घातांक के दोनों परिभाषाएं आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन कीजिए। पहली परिभाषा मैं बोल रहा हूं साथ साथ में आप लोग मेंशन करते रहिए। पहली परिभाषा मैंने ये लिखवाई आप लोगों को कि वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणु पर निर्भर नहीं करते, वे अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारक अणु पर निर्भर नहीं करता उन्हें कौन सी कोटि अभिक्रियाएं कहते हो? शून्य कोटि। अणु पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये परिभाषाएं लिखनी है। तो सर्वप्रथम आपकी ये क्या हुई? परिभाषा। अब अपन बात करते हैं सेकंड स्टेप की, समाकलित वेग समीकरण। अब अपन बात करते हैं समाकलित वेग समीकरण। तो सबसे पहले तो आप लोगों को उतारना कुछ नहीं है, कॉपी और पेन को तो एक बार साइड में रखिए और जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे बता रहा हूं उस चीज को आप लोग समझिए। सर्वप्रथम मैंने कहा माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, नाउ वी अज्यूम ए रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग वे। आपका कोई ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और कैटलिस्ट या टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है? आप लोगों का प्रोडक्ट पी बना रहा है। ये मैंने कहा कि आप लोगों का ए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ए अभिकारक अणु है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपका क्या बना रहा है? प्रोडक्ट पी बना रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि अभिकारक अणु ए की प्रारंभिक सांद्रता को मैं स्मॉल ए बोल रहा हूं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए जो है आप लोगों का उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक सांद्रता कितना आप लोगों ने लिया है, प्रारंभिक सांद्रता को मैं ए बोल रहा हूं और आपको मैं ये बोलता हूं कि टाइम टी बराबर क्या है? जीरो। यानी कि आप लोगों ने रिएक्टेंट को अभी लिया ही है, आप लोगों ने अभिक्रिया शुरू नहीं की। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे रिएक्टेंट का किस परिवर्तित होना? प्रोडक्ट में। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं अभी तो आप लोगों ने रिएक्टेंट को हाथ में लिया है, अभी आप लोगों ने अभिक्रिया शुरू नहीं की है। तो जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं की है, टाइम टी बराबर जीरो का क्या मतलब है? अभी अभिक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है। और बताइए जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं होगी तो
तो बताइए प्रोडक्ट बनेगा क्या? प्रोडक्ट तो तब बनेगा जब अभिक्रिया शुरू होगी, उस समय प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो। भाई होगा ही नहीं तो अपन क्या मानेंगे उसको? जीरो। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि अब आप लोगों की ये जो अभिक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, टी बराबर टी डैश समय, यानी कि आप लोगों ने अभिक्रिया करवाते हुए 5-7 मिनट हो गए, टी बराबर टी डैश का मतलब ये है सीधे से शब्दों में कि अब आप लोगों की अभिक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और जब अभिक्रिया शुरू हो चुकी है इसका मतलब धीरे धीरे कौन बनना स्टार्ट हो गया है? प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया है। मैंने ये कहा कि प्रोडक्ट जो बना उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ आप लोगों का? एक्स लिख रहा हूं। तो यहां रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या रह जाएगी अपने आप? जो बन गया वो क्या है? प्रोडक्ट। तो जो रह गया ए माइनस का एक्स, वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए की। कि उस समय कितना रिएक्टेंट शेष रह गया? तो वो है ए माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स प्रोडक्ट बन गया, तो जो रह गया वो क्या रह गया आप लोगों का? बाकी ए माइनस का एक्स। बोलो ये चीज आपके समझ में आई क्या? ये हर अभिक्रिया में आएगी, चाहे कोई से भी कोटि की पढ़ना। एक बात तो ये, दूसरी बात अब मैं आप लोगों से बात करता हूं अभिक्रिया की परिभाषा अनुसार। अभिक्रिया की परिभाषा अनुसार अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ अभिक्रिया, तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? शून्य कोटि अभिक्रिया। तो अपन लोगों ने यह लिखा ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग, ये लिखा ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग, अभिकारक अणु कौन सा है? ए। अभिकारक अणु की सांद्रता, तो ये ब्रैकेट लगा दिया सांद्रता का, कौन सी घातांक के समानुपाती होती है? शून्य घातांक। तो ये तो शून्य घातांक और ये समानुपाती का क्या आ गया आप लोगों का? साइन आ गया। आगे अगर अपन रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करता हूं, तो ये मैंने क्या लिख दिया आप लोगों का? डीएक्स अपॉन क्या आ गया आप लोगों का? डीटी। कि समय के साथ में एक्स बन रहा है टी, समय के सापेक्ष क्या है आपका? प्रोडक्ट बन रहा है ये, और ये समानुपाती। ए की सांद्रता क्या है? ए माइनस एक्स। और बताइए इसका पावर क्या है आप लोगों का? जीरो। इसका पावर क्या है? जीरो। ये तो हुआ इसका अवकलित वेग समीकरण। कौन सा वेग समीकरण है इसका? अवकलित वेग समीकरण। अब मैं आगे वाले स्टेप में आपको लेके जाता हूं, अभी कॉपी में कुछ भी मेंशन नहीं करना है आप लोगों को, इन चीजों को समझना है, ठीक है? तो आगे वाले स्टेप में मैं अगर आप लोगों को लेकर के जाऊं, तो देखिएगा यहां पे dx, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप लोग हटाते हो तो क्या आएगा आप लोगों का? रेट कॉन्स्टेंट आएगा, पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? dx अपॉन ये क्या है? dt। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए तो रेट कॉन्स्टेंट क्या आ गया? k आ गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसको स्पेसिफाई करना चाहे तो क्या आ गया? के जीरो। और ये क्या आ गया आप लोगों का? dt। क्या हुआ आप लोगों का? dx अपॉन dt, और ये a माइनस एक्स क्या है आप लोगों का? a माइनस एक्स का पावर कितना है? जीरो, है ना? a माइनस एक्स का पावर क्या है? जीरो। तो a किसी भी चीज का पावर जीरो होता है, तो ये मैंने पहले ही बता रखा है उसका आंसर हमेशा हमेशा और हमेशा क्या आता है आप लोगों का? एक आता है। तो a माइनस एक्स का पावर जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? एक। तो आगे वाले स्टेप में ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? dx अपॉन dt बराबर ये क्या हो गया आप लोगों का? k जीरो। इसको मैं समीकरण बोल रहा हूं क्या? एक। क्लियर है? आगे वाले स्टेप में देखिए, इस dt को इधर लेके जा रहा हूं, तो ये dx बराबर ये क्या हो गया? k जीरो। और ये क्या हो गया आप लोगों का? dt। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? समीकरण नंबर दो। क्लियर है? अभी आप लोग सुनते जाइए, उतारना कुछ नहीं है। आगे मैं बोल रहा हूं समीकरण दो का आपको कौन सी इक्वेशन चाहिए? समाकलित वेग समीकरण। तो कब आएगी? जब अपन इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो समीकरण दो का क्या करने पर? समाकलन करने पर। व्हेन वी इंटीग्रेटेड इक्वेशन टू, समीकरण दो का समाकलन करने पर, तो ये तो क्या जाएगा आप लोगों का? डीएक्स का अगर अपन लोग करेंगे, और यहां के जीरो क्या है? रेट कॉन्स्टेंट, तो ये बाहर आना ही है, और ये आपका क्या आएगा? टाइम आएगा। तो dx का अगर आप लोग समाकलन करोगे तो क्या आएगा आपके पास में? x आएगा। k0 क्या है आप लोगों का? रेट कॉन्स्टेंट है। dt का क्या आएगा आप लोगों का? t आएगा, प्लस एक समाकलन स्थिरांक आएगा क्या? c। ये होगा आप लोगों का इक्वेशन नंबर तीन। बोलो ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों की? ठीक है, तो यहां अपन बात कर रहे हैं कि आप लोग समीकरण दो का समाकलन करोगे तो dx का हमेशा क्या आएगा? x। dt का क्या आएगा? t। k0 क्या है? रेट कॉन्स्टेंट, तो k0 t,
प्लस सी क्या है। तो किसी भी इक्वेशन का अगर आप लोग समाकलन करोगे तो उसमें एक समाकलन स्थिरांक क्या आएगा आप लोगों का, सी आएगा, ठीक है। अब उसकी वैल्यू कितनी क्या किस हिसाब से आएगी ये अपन आगे बात करेंगे। तो ये क्या हुआ आप लोगों का इक्वेशन नंबर 3। एक बार के लिए आप लोगों को लिखना नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग इसको एक साथ लिखिएगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया इक्वेशन नंबर 3 तक का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इस चीज को रीड आउट कीजिए। अब देखिए आगे वाले स्टेप में बहुत आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं वो तो इसको जो है खेल खेल में ही कर जाते हैं, बाकी बायो वाले जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा समाकलन अवकलन को थोड़ा देखना पड़ेगा, तो मैं साथ साथ उस चीज को बताता जाऊंगा, क्लियर है। आगे देखिए इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, बताइए ये एक्स किसका कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का है, सर्वप्रथम लिखवाया था ना, किसका एक्स किसका है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर आपका टाइम टी बराबर जीरो हो, अगर टाइम टी बराबर जीरो हो तो बताइए एक्स बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम मतलब रिएक्शन को शुरू ही नहीं किया तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा, नहीं बनेगा, तो एक्स अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो। और ये परिस्थिति अगर अपन लोग किस में रख दें, इक्वेशन नंबर 3 में, तो देखिएगा एक्स की वैल्यू क्या रख रहा हूं यहां पे, भाई जब टी को जीरो रख दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये टी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर के कोई भी राशि क्या हो जाएगी, जीरो, और ये पहले से अपने आप क्या है, जीरो। इसलिए बताइए अगर इस वाली वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई कर दूं, इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में अप्लाई करता हूं तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों का, जीरो, और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे दूं कितना आप लोगों का, 4। फिर मैं आगे आप लोगों से कहूं समीकरण 3 व 4 से तो C की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में कितनी है, जीरो। तो इक्वेशन लास्ट इक्वेशन आप लोगों का आएगा x = k0t। ये हुआ आप लोगों का समीकरण नंबर 5। कौन सा समीकरण हुआ, समीकरण नंबर 5। और समीकरण 5 को शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया को मैं रिएक्शन लिख रहा हूं भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया का कौन सा समीकरण है, सेकंड स्टेप बताइए कौन सा था, समाकलित वेग समीकरण। कौन सा समीकरण कहेंगे, समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। इक्वेशन 5 इज नोन एज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये अपना क्या हुआ, सेकंड स्टेप। मेरे हिसाब से आपको यहां तक तो पहले क्लियर होगा x = k0t। और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कोई अभिक्रिया में टाइम टी बराबर जीरो का क्या मतलब होता है, तो टाइम टी जीरो का मतलब होता है रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुई, और जब रिएक्शन शुरू हुई नहीं तो अभिकारक उत्पाद बनाएगा ही नहीं, जब उत्पाद बनाएगा ही नहीं तो उत्पाद की सांद्रता को अपन क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो टी की वैल्यू अगर जीरो है तो एक्स अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो, और ये वैल्यू अगर आप लोग यहां अप्लाई करोगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर के जीरो और ये जीरो, तो सी के पास में अपने आप क्या आ गया, जीरो। तो सी की वैल्यू जीरो यहां रख दो तो बच जाएगा क्या, x = k0t, जो कि समीकरण नंबर 5 है, जिसे शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहा जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने सेकेंड स्टेप की बात की, अगली जो क्लास आएगी उसमें मैं आप लोगों से तीसरे स्टेप की बात करूंगा, आप लोगों से अर्धायुकाल, कौन सा अर्धायुकाल, जो कि क्या हो रहेगा आप लोगों का थर्ड स्टेप। आप लोग इन चीजों को घर पे रिवाइज कीजिएगा, इस क्लास को रिवाइज कीजिएगा, इसकी जो आगे की बात है वो अपन करेंगे कौन सी क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।